नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं हूं पहाड़ी बुला शरद असवाल। और साथियों, मैं हूं अभी बादशाह अकबर और शाहजहां की ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी में। और आज आपको मैं फतेहपुर सीकरी के बादशाह अकबर का जो दीवाने आम दीवाने खास है, इसकी सैर कराऊंगा। तो चलते हैं दीवाने आम दीवाने खास की तरफ। दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी में ये व्हीकल पार्किंग बनी है, यहाँ से आगे आप अपना पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ की गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम भी बैठ गए हैं दीवाने आम दीवाने खास के लिए यहाँ की बस में, और हम जाएंगे अब दीवाने आम दीवाने खास की तरफ। और साथियों, हम पहुँच चुके हैं दीवाने आम और दीवाने खास की जो पार्किंग है वहाँ पर। आप देख सकते हैं हम जो यहाँ की बस है इससे उतर रहे हैं, और अब जाएंगे हम यहाँ से दीवाने आम दीवाने खास की तरफ। साथियों, हम पहुँच चुके हैं टिकट काउंटर पर और हमने ले लिए टिकट, और हम चलते हैं अब दीवाने आम की तरफ। और साथियों, यहाँ पर टिकट प्रति व्यक्ति 50 रुपये की है, तो आप 50 रुपये का टिकट लेके यहाँ घूम सकते हैं। तो साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं दीवाने आम में, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1570 में बनवाना शुरू किया था, और 1582 में ये बनकर पूरा हुआ था। और ये वो लॉन है जहां पर उनकी प्रजा बैठकर राजा का दरबार सुना करती थी। और ये जो ठीक सामने आप ये 4 कमरों वाला जो हट देख रहे हैं, यहाँ पर राजा की 3 रानियाँ रुकैया, मरियम और जोदा बैठा करती थी, और चौथे वाले पर उनकी माता जी बैठती थी। और साथियों, जो आप देख रहे थे छत के ऊपर एक सफ़ेद पत्थर वाली जाली और 4 गुम्बद, यहाँ बैठकर राजा अकबर अपनी प्रजा का दरबार लिया करते थे। और ये जो ठीक सामने पेड़ दिख रहा है ये वाला, इसके पास उसका हाथी बंधा हुआ होता था, जिसका नाम हिरन था, जो कि अपराधी को सूंघकर सजा देता था। यदि उसने अपराध किया हो तो उसे पटक कर मार दिया करता था। कहते हैं कि यह हाथी जब अकबर की शादी जोधाबाई से हुई तो जोधाबाई इसे अपने साथ में लेकर आई थी। साथियों, ये जो आप बरामदा देख रहे हैं जिसपे कि राजा के सैनिक बैठा करते थे, इसकी लंबाई 208 फीट और चौड़ाई 76 फीट है। और ठीक इसके पीछे दीवाने खास, जो कि खास लोगों के लिए हुआ करता था। तो चलते हैं दीवाने खास की तरफ। साथियों, जो हमने टिकट ली थी ये थी दीवाने खास के लिए। दीवाने आम तक आप बिना टिकट के घूम सकते हैं। और हम यहाँ पर हमारे टिकट को ये स्कैन करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं। और साथियों, यहाँ पर विदेशी पर्यटकों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा विदेशी पर्यटक। और साथियों, हम पहुँच चुके दीवाने खास के अंदर, और आप देख सकते हैं ठीक सामने एक डबल स्टोरी बिल्डिंग जिसे दीवाने खास कहा जाता है। यहीं से बादशाह अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। तो चलते हैं अब दीवाने खास की तरफ। और साथियों, आप देख सकते हैं सुंदर नक्काशी किया गया पत्थर, जिस पर कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी नक्काशी की गई है, और यह एक ही पत्थर है। और इसके ऊपर ठीक सम्राट अकबर बैठा करते थे, और बाकी उसके चारों तरफ उसके मिनिस्टर बैठा करते थे, यहीं पर उनकी सारी मीटिंग्स हुआ करती थी। तो ये उनका दीवाने खास में ये अकबर का कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था, जो दिखने में डबल स्टोरी लगता है, लेकिन ये डबल स्टोरी है नहीं, आप देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस पर सुंदर नक्काशी, बिल्कुल ये नीचे से लेके ऊपर तक आप इस पत्थर को देख सकते हैं, इस पर कितनी सुंदर और इतनी महीन नक्काशी की गई है। और यह एक ही पत्थर है, आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल जहाँ तक ये गोल राउंड समाप्त हो रहा है, यहाँ तक ये एक ही पत्थर है, इसके ऊपर अन्य पत्थरों को जोड़ा गया है।
साथियों, जो आप देख रहे हैं इसे खजाने की छतरी या फिर ज्योतिषी की बैठक भी कहा जाता था। यहाँ पर सम्राट अकबर के ज्योतिष पंडित पुरुषोत्तम दास बैठा करते थे और अकबर अक्सर उनके साथ यहाँ पर बैठते थे और राय मशवरा लेते थे। साथियों, यह है हवा महल का इलाका जिसे पंचमहल भी कहते हैं। यहाँ पे सम्राट अकबर अपने शाही खानदान के साथ गर्मियों के सीजन में हवा का आनंद लेते थे। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे और किले का चारों तरफ का व्यू नज़र आता है। और ये जो आप हरी लॉन देख रहे हैं, यहाँ पे केसर का बाग हुआ करता था जिसकी कि मंद मंद खुशबू हवा के साथ इस हवा महल तक पहुंचती थी और शाही खानदान उसका आनंद लेते थे। और साथियों, ये जो आप डबल स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये राजा के विशेष अतिथियों के लिए हुआ करती थी। उनके जो भी विशिष्ट मेहमान आते थे यहीं पर आकर ठहरते थे। और साथियों, हम पहुंच चुके हैं हर मसला में, जिसे बीरबल के मकान के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा की जो दो वरिष्ठ रानियाँ थीं, रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम, वह दोनों रानियाँ इसमें निवास किया करती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्रकारी के साथ इस महल को बनाया गया है। और साथियों, ये वो इलाका है जहाँ पर सम्राट अकबर जोधाबाई के साथ रहा करते थे। ये सम्राट अकबर का महल आप देख सकते हैं। और साथियों, महल के साथ में आप देख सकते हैं सुंदर गार्डन। और साथियों, जो आप सामने घर देख रहे हैं, ये जोधाबाई का किचन है, क्योंकि उसने शादी से पहले ही सम्राट अकबर के सामने शर्त रखी थी कि आप मुझे एक मंदिर बनवा कर देंगे और मुझे अलग से किचन बना कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जोधाबाई की किचन, जहां पर जोधाबाई अपना खाना बनाया करती थी, क्योंकि वह एक राजपूताना लेडी थी। और ये अभी आगे हम अनूप तालाब के पास। इसे चार चमन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पे चारों तरफ से अंदर जाने के रास्ते आप देख सकते हैं, चार वे बनी हुई है इस पर चारों तरफ अंदर जाने के लिए। और इसमें बीच में तानसेन बैठा करते हैं। कहते हैं कि जब तानसेन यहाँ से अपनी धुन बजाते थे तो यहाँ पर पानी फौर के रूप में उठना शुरू हो जाता था और दीपक खुद ब खुद जल जाते थे। तो आप देख सकते हैं ये सुंदर तालाब, जिसमें जिसे कि अकबर का स्विमिंग पूल भी कहा जाता है,
इसमें अभी आजकल पानी नहीं है क्योंकि इसका मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। और साथियों आप देख सकते हैं ये हवा महल का फ्रंट व्यू, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था उसका बैक व्यू था। और साथियों किले का इलाका बहुत बड़ा है और मेरे साथ में है सिनिया और सिनिया की मम्मी। टेम्परेचर 40 के पार है तो ये भी थक गए हैं, तीनों ने बैठने का निश्चय किया है। और साथियों हमारा किले का विजिट समाप्त हो गया है और अब हम निकल रहे हैं दीवाने खास से दीवाने आम की तरफ। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर महल। साथियों किले का एंट्री एग्जिट गेट एक ही है जो कि दीवाने आम से होकर गुजरता है। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरनर टूरिस्ट बहुत ही संख्या में हैं और अब हम इनके साथ निकलेंगे अपनी पार्किंग की तरफ। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।